स्पाइक्स बाय टेड ह्यूज, देखिए स्पेलिंग है ह्यूज ह्यूज, ठीक है पेज भी लेना है वन है। क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा, पाइक्स इज एन एनिमल पोएम बाय टेड ह्यूज, ही इज अ पोस्ट मॉडर्न पोएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का है, हिज फेमस वर्क इज क्रो, देखिए एकदम सिंपल नाम है इसीलिए याद रख सकते हैं, साल दीजिए 1970 का है। देखिए पोस्ट मॉडर्न मैंने क्या समझा रहे हैं, मीन्स द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945, एटॉम बॉम्ब गिरा और पोस्ट मॉडर्न ये शुरू हो गया, ये पोस्ट मॉडर्न। टेड ह्यूज राइट्स अबाउट नेचर बट ही डज नॉट राइट ओनली अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ नेचर एज वर्ड्सवर्थ डज, नेचर के बारे में वर्ड्सवर्थ भी लिखते हैं लेकिन वर्ड्सवर्थ क्या है, खाली अच्छा पॉइंट दिखाते हैं प्रकृति का। इन पोएम्स लाइक द डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ सीज ओनली द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ नेचर, ये क्या देखते हैं नेचर की सुंदरता को देखते हैं, उसका आनंद देखते हैं, लेकिन ह्यूज क्या है, टेड ह्यूज सीज द क्रूअल, पलटो बेटा टेड ह्यूज क्या कहते हैं, सीज द क्रूअल एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन पोएम्स लाइक हॉक रूस्टिंग एंड पाइक्स, और ये जो हमारा प्रेजेंट पोएट है क्या कहते हैं वो नेचर में जो कठोर चीज है क्रूअल है उसको भी ये देखता है, उसी को देखता है इसमें खास करके। इन द पोएम पाइक्स द पोएट सेज क्या कहता है, आई यूज टू बी वेरी कीन एंगलर फॉर पाइक, एंगलर मतलब जो मछली मारता है वो कहता है एंगलर, कहता हम मछली मारते थे खास करके ये पाइक को, एंड स्टिल आई एम व्हेन आई गेट द चांस, जब भी मौका मिलता है तो हम ये मछली मारते हैं, तो मतलब ये दिखाता है कि उसको हमको इस मछली पर काफ़ी ज्ञान है, कुछ हमको नॉलेज है, और क्या क्या बताता है मछली के बारे में, अ पाइक इज अ किलर फ्रॉम द एग, ये पाइक मछली होता है अंडा से ही ये खूंखार होती है मछली, दिस शोज द ब्रूटैलिटी ऑफ एनिमल लाइफ, और उस मछली के माध्यम से वो जानवरों की दुनिया में क्या कठोरता है वो दिखाता है, बाघ कैसे खा जाता है हर इनको। द पोएट गिव्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता है कविता में, ही केप्ट थ्री पाइक्स इन अ वाटर, पानी में एक्वेरियम में होता है शीशा के ग्लास में वो तीन मछलियाँ रखा, वन वॉज 3 inches लॉन्ग, एक 3 inch की थी, सेकेंड वॉज 4 inches एंड द थर्ड वन वो 4.5 inches, तो तीन मछलियाँ अलग अलग साइज की थी, बड़ी छोटी सबकी, पन्ना उल्टू पलटू बेटा। अब हम आगे पेज 3 में, आफ्टर फ्यू डेज ही सॉ दैट ओनली 2 fishes वेर अलाइव प्रेजेंट, तो कभी क्या देखता है तीन में से अब देखते कुछ दिन बाद 2 ही मछली है, एंड आफ्टर सम मोर डेज द पोएट सॉ दैट ओनली 1 fish वॉज प्रेजेंट, और कुछ दिन के बाद देखता है सिर्फ एक ही मछली बच गई थी, द लिविंग फिश हैड अ हैप्पी स्माइल, और जो जिंदी मछली थी पेट खूब मोटा हो गया था और मुस्कुरा रही थी एकदम हैप्पी, मतलब उसको मछली को खाने में उसको आनंद आया ये दिखा रहा है। सिमिलर थी मेन बात, ये मछली की कहानी नहीं है, मछली की कविता नहीं है, मेन थी के मानव पर ही फोकस है, सिमिलर इज अ सिचुएशन इन ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज में भी यही हाल है, द 2 world wars हैव प्रूव दिस, 2 विश्व युद्ध हुए उसमें देखा गया कैसे कमज़ोर राष्ट्र पर मजबूत राष्ट्र बम बरसाते रहा, अ स्ट्रांग नेशन किल्स द वीक नेशन, एक मजबूत देश है कमज़ोर देश को मारता है, अ पावरफुल मैन बुलीज अ वीक मैन, और कोई मजबूत आदमी है वो कमज़ोर को सताता है, ये दिखा रहा है मानव समाज का। द पोएट सीज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द एनिमल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन सोसाइटी, तो कभी क्या देखता है समानता देखता है किसमें, जानवर की दुनिया में और मानव के समाज में, पन्ना उल्टू बेटा विकास। अब हमारे हैं पेज 4 में, अब तब फिर क्या कहते हैं, चलिए पेज 4 में देख रहे हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, सबमरीन डेलिकेसी एंड हॉरर, सबमरीन डेलिकेसी एंड हॉरर, मतलब सबमरीन देखिए देखने में कितना सुंदर लगता है लेकिन कितना भयंकर होता है, उसमें बम उम रहता है, ठीक है, अब सबमरीन लुक्स ब्यूटीफुल लाइक अ फिश, एक सबमरीन जो है मछली की तरह सुंदर लगता है देखने में, बट द सबमरीन इज सो डिस्ट्रक्टिव, कितना भयंकर होता है ये सबमरीन। नाउ अबाउट द स्टाइल ऑफ द पोएम पाइक्स, अब इसके बारे में स्टाइल के बारे में कुछ बताते हैं, द पोएम डज नॉट यूज द डिफिकल्ट स्टाइल ऑफ टी एस एलियट्स द वेस्टलैंड, तो पोएट जो है टी एस एलियट के डिफिकल्ट स्टाइल को नहीं यूज करता, वेस्टलैंड में क्या डिफिकल्ट स्टाइल है, तो ये जो हमारे प्रेजेंट टेड ह्यूज जो है डिफिकल्ट स्टाइल को नहीं अपनाता है,
या फिर इसको पढ़ते हैं, दिस पोएम डज नॉट यूज द डिफिकल्ट स्टाइल ऑफ टी एस एलियट्स द वेस्टलैंड, टेड ह्यूज यूज राइट्स इन सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा में लिखता है, पोएम पढ़िएगा तो हम पढ़े हैं सरल भाषा में कविता है। पाइक हैज़ बीन कंपोज इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिया गया है, और इसका माने क्या होता है, दिस मीन्स दैट द पोएट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू सेंस देन टू राइम एंड रिदम। तो कवि क्या करता है, ज़्यादा ध्यान देता है क्या मीनिंग है, अर्थ में ज़्यादा ध्यान देता है, और तुकबंदी में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो कविता के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, पॉज कर दो। यदि यह आंसर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। यदि खराब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर्स क्या क्या है, 8210297332, यह मेरा रिटायर्ड प्रोफेसर बीके मिश्रा का, और आप विकास को भी खबर कर सकते हैं, इसका नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 8434291664। टीबी पेशेंट खेतन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, मैंने वी की प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प द टीबी पेशेंट खेतन। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नंबर यही है 8434291664। इंग्लिश में, वी गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प आर टीबी पेशेंट खेदन ऑन द नंबर्स गिवन अबव। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।